कक्षा 12वीं के हिंदी का अध्याय 3 है संपूर्ण क्रांति। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है। तो ऑप्शन नंबर ए है साम्यवाद, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, ऑप्शन नंबर सी है समाजवाद, और ऑप्शन नंबर डी है अधिनायकवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ददन, बबन, बाउल, दीना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाउल, ऑप्शन नंबर सी। किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस जनता की जनता को जाना है। किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? रूस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका। तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। पहला था डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल, डॉक्टर एजाज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रहमान, ऑप्शन नंबर ए। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा उमाशंकर दीक्षित को, ऑप्शन नंबर ए। जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की थी? पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, हिंदू विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार विद्यापीठ। फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है सत्यकामा, कुरुक्षेत्र, उस जनपद का कवि हूँ, महिला आंचल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महिला आंचल। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को, 8 अक्टूबर 1904 को, 8 सितंबर 1903 को, 18 अक्टूबर 1902 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1902 को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।